सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में रत, अनेक संस्थाओं के उच्च पदों पर आसीन, प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री रमेश कुमार जैन जी, फर्म कुंदन एग्रो फूड्स। आप चावल के थोक विक्रेता हैं। आप सन 1985 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। इन्हीं कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको जैन रत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों, श्री हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि मेरा दिल्ली नया बाजार में 53 साल से ऊपर मुझे हो गया है और इनका श्रेय आशीर्वाद बराबर मुझे प्राप्त करते हुए, इसलिए मेरी भावना बनी कि मैं जितना इन लोगों का मैंने प्राप्त किया है उतना कम से कम तो दे सकूं। इस कड़ी में आज उस महान व्यक्ति से संपर्क करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने दिल्ली नया बाजार से नहीं बल्कि हापुड़ में इनकी फर्म हुआ करती थी, तब से मेरा इनका परिचय चलता आ रहा है और उस बात को आज 35 साल जो ऊपर हो गए होंगे लगभग, आज ऐसे व्यक्ति से मैं आपका साक्षात रूबरू करा रहा हूँ, जिसे करके मुझे गर्व हो रहा है कि वो इस व्यक्ति का नाम है श्री रमेश कुमार जी जैन, जिनका मेरे पर हमेशा वरदहस्त कह सकता हूँ। और इतना संपर्क रहा जैन होने के, उससे उस समय जैन बहुत कम हुआ करते थे, गिनती के जैन होते थे, अब तो खैर बहुत बाजार बढ़ गया। उस टाइम हमारा इतना श्रेय और गोपाल राम श्रीराम भरम ने नाम पड़ता था हपुड़ में, वही नाम यहाँ नया बाजार में रखा। अब जो वर्तमान में इनका कुंदन एग्रो फूड के नाम से व्यापार करते हैं और अच्छे मिलनसार, हंसमुख, धार्मिक प्रवृत्ति के, और इनकी क्या क्या विशेषता है मैं क्या बताऊँ, जितना भी करूँ उतना कम है। इनका वर्णन किया जाए पूरा टाइम लग सकता है। ऐसे महान व्यक्ति से मैं आपका रूबरू करा रहा हूँ, श्री रमेश जैन साहब से। रमेश भाई जी नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आपको तो काफी साल से मेरा आपका रहा है स्नेह, तो अभी आप व्यापारी भाइयों को भी और जैन समाज को भी दोनों का अपना संदेश देने की कृपा करें। कहाँ पर है, कब से शुरू किया, हापुड़ से कब आए, यहाँ क्या क्या काम किया और मेरे साथ का आपका संपर्क कब से रहा, ये समाज और व्यापार को दोनों बताने की कृपा करें। हनुमानमल जी नमस्कार। हमारा व्यापार यहाँ गोपाल राय श्रीराम फर्म के नाम से करीबन 85-86 से शुरू है और अभी करीबन काफ़ी टाइम से, मतलब मेरा आपसे संपर्क जब से हमने यहाँ दुकान करी, उससे पहले हमारा हापुड़ में काम चलता था, तब से हमारा आपसे बहुत अच्छा संपर्क है और आप सारे के सारे डायरेक्टरी के कार्यों में, रिश्ते नातों के कार्यक्रमों में, धर्म के कार्यों में बहुत सब सराहनीय कार्यक्रम करते हैं और हमारे ऊपर भी आपकी बहुत कृपा दृष्टि बनी हुई है। और अभी आजकल हमने करीबन 5-6 साल से अपने फर्म का नाम यहाँ चेंज करके कुंदन एग्रो फूड रखा है। इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रोपराइटर हूँ इसके अंदर में, और मेरा सभी बाज़ार वालों से मेरा बहुत अच्छा लिंक है और सभी, मतलब मेरे भाई बहन जितने भी हैं यहाँ पर, सबसे मुझे बहुत स्नेह मिलता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार है यहाँ पर। और हनुमानमल जी जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये मतलब इनकी जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। संस्था में तो जैसे भी हम लोग सीपी ब्लॉक मंदिर के अंदर में, हम जैसे वहाँ उधर पीतमपुरा में रहते हैं, वहाँ मंदिर के अंदर में मंदिर की डिस्पेंसरी है और आसपास के जितने भी मंदिर वगैरह हैं या हमारी महासभा की संस्था है, सबसे मतलब मेरा अच्छा तालमेल है और मैं कार्यकारिणी मेंबर भी मंदिर के अंदर में हूँ वहाँ पर। अभी ये दुकान पर आप अकेले देख रहे हैं या नहीं? दुकान में यहाँ पर अभी अकेला देख रहा था यहाँ पर, और पहले मेरे साथ में सब पार्टनर थे, लेकिन अब 5-6 साल से भी हमने कुंदन एग्रो फूड अपना जो फर्म अलग कराई है, अब आगे से मेरा बेटा भी मेरे साथ में करीबन 1-1.5 साल से साथ में है और अभी वो भी इस कार्यक्रम देख रहा है। नाम जरा सा? आयुष जैन। आयुष जैन, हाँ जी। अच्छा, पढ़ाई छोड़ के इस बार? हाँ, उसने बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद में उसका भी मन बना कि भाई चलो मैं पापा के साथ बैठूँ, तो उसके बाद में फिर यहाँ अपने इस कार्य चावल के कार्य केंद्र में यहाँ पर आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बाबू। मैं अपनी तरफ से, जैन संजोग पत्रिका की तरफ से, अमर ज्योति डायटी परिवार की ओर से आपका आभार
प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, होते हुए भी आपका श्रेय और वात्सल्य मेरे साथ हमेशा बना रहा, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।